किसी जमाने में जिस स्टेशन से भारतीय रेलवे के सफर की शुरुआत हुई थी, वही सीएमएसटी स्टेशन भविष्य में शहर का सबसे बड़ा इंटरकनेक्टिंग हब बनने जा रहा है। स्टेशन से निकलते ही बेस्ट बसें तैयार रहेंगी, तो मेट्रो 3 और मेट्रो 11 तक पहुंचने के लिए भी ज्यादा पसीना नहीं बहाना होगा। सीएमएसटी स्टेशन से ही मेट्रो हो या बसें, सीधी कनेक्टिविटी देने की योजना चल रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार अपनी रेलवे जमीन का भरपूर इस्तेमाल कर पीपीपी मॉडल से पैसा जमा करना चाहती है। मुंबई में मध्य रेलवे के पास कई स्थानों पर जमीन जिन्हें प्राइवेट कंपनियों को लीज पर दिया जाएगा। इन जमीनों पर होटल, हॉस्पिटल या हॉस्टल से लेकर हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाएगी। निवेशकों की बेहतरी के लिए इन स्थानों को बेहतर कनेक्टिविटी दी जाएगी। सीएसएमटी पर भी इसी संकल्पना के तहत काम हो रहा है। यहाँ कमर्शियल और रेजिडेंशियल 2.54 लाख वर्ग फुट के क्षेत्रफल में किया जाएगा। इसके लिए रेलवे और राज्य सरकार के बीच कुछ ही दिनों में हाई पावर कमेटी की मीटिंग होगी। कई सालों से मुंबई में उपनगरीय ट्रेनों का विस्तार हो रहा है, लेकिन हार्बर लाइन पर अभी भी फास्ट ट्रेनें नहीं चलती। इसका मुख्य कारण है जगह की कमी। बहरहाल इस समस्या का हल रेलवे ने ढूंढा है कि ट्रेनों को एलिवेटेड बनाया जाए। इसके लिए पनवेल सीएसएमटी कॉरिडोर की संकल्पना की थी। रेलवे के अनुसार अब इस लाइन को सेंट जॉन्स हॉस्पिटल तक लाया जाएगा। ये करनाक बंदर में टर्मिनेंट होगी। रेलवे के एक अधिकारी के अनुसार रेलवे लाइन सड़क से करीब 16 मीटर ऊपर होगी। रेलवे लाइन से साथ ही ईस्टर्न फ्रीवे को भी जीओपी तक लाया जाएगा।